हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन फास्ट मूविंग है, जब फास्ट मूविंग ट्रेन होती है तो उसके नीचे का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बर्नौलिस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये बर्नौलिस की इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, तो जब पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होता है इसका जो आंसर है कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जब फास्ट मूविंग ट्रेन होगी इसके नीचे की जो हवा होगी वो भी बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग होगी, उस कारण से क्या होगा प्रेशर कम हो जाएगा ट्रेन के नीचे। देन अगर यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है ट्रेन के ट्रैक के पास, अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसमें क्या होगा उस पर्सन के इस साइड पर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन इस साइड पर जो ट्रेन के इस साइड पर है वहां पर प्रेशर कम हुआ पड़ा है क्योंकि ट्रेन फास्ट चल रही है, उस कारण से पर्सन खुद ही पुश हो जाता है ट्रेन की तरफ। सो बी सेफ एंड डोंट स्टैंड नियर द रेलवे ट्रैक्स।